In the last video, where I was visiting the tomb of Baba Sahib in the Lakhman province of Afghanistan, Taliban came in two of their vans and took me with them to their post. Utrish. लें ये तालिबान के आप इन चेक पोस्ट के ऊपर जहाँ से इनका व्यू चेक करें आप, वाह ये बंद करो, कैमरा बंद करो। लहरी मैं यहाँ बैठा हूँ कि जहाँ इसके चेक पोस्ट यहाँ पर ऊपर आए हुए थे, तो कमांडर साहब से इनके बात हो गई है। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ अभी? हाँ, तो कहते हैं कि आपका पेपर आपके पास नहीं है, जो मेरे जो पेपर मुझे मिलना है काबुल से, तो वो काबुल से मैं पेपर जा कर लूँगा, तो उसके बाद कहते हैं मुश्किल आपको नहीं होगी। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे जो अपने पास में यहाँ पे लेके आए थे, तो वो यहाँ बैठे मेरे से गपशप कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और कहते हैं कि अब मैं जा सकता हूँ। ऐसे ही ना पाकिस्तान से आए तो खतरा है यहाँ पे? पाकिस्तान से बंदा अगर आए तो नहीं, पासपोर्ट वीजा है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो पासपोर्ट नहीं, असना तुम्हारा पास नहीं है, उसका खतरा नहीं, वो तो ठीक है। ऐसा है ना, पाकिस्तान का ऐसा थोड़ा डेंजर है, इसके लिए पाकिस्तान का ऐसा इधर आ सकते हैं, तुम्हारा लिबास में, तुम्हारा सिस्टम में आ सकते हैं, इसके लिए मुश्किल है। वीजा है उसके पास, है पासपोर्ट है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है उसका। पाकिस्तान तुरखा में सहार दिश है, तो अगर पाकिस्तान से बंदा अगर आए, इसके पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी वीजा हो, तो काबुल का पेपर में कोई मसला नहीं है। वीजा है पाकिस्तान का, वीजा है अफगानिस्तान का, कुछ मुश्किल नहीं है। पेपर की जरूरत भी नहीं है, पेपर की जरूरत भी नहीं है। जब पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, पेपर भी नहीं है, फिर तो है मुश्किल है। बहुत मेहरबानी, बहुत आप हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फोटो बनाना, अच्छा एक तस्वीर फरमाइश्ती से सरी छोटा है, मेरा बड़ा है, नहीं आता है। चलो हमारे थाने सिचू है, सिचू। ये सिचू है तुम्हारे थाने का? ऐसे चौक का नाम क्या है? अच्छा यहाँ मैं खड़ा हूँ चेक पोस्ट के ऊपर, और वो सामने आपको अगर आ रहा नजर, वो सामने जो है वो लकमान कैपिटल है, मेहतरलाम बाबा, मेहतरलाम बाबा ना, तो मेहतरलाम है जी कैपिटल वो, तो वहाँ पे है कुछ देखने वाला? दारुल खिलाफा है मेहतरलाम बाबा। हाँ हाँ, दारुल खिलाफा, हाँ मरकज में मेहतरलाम बाबा, तो यहाँ पे मेहतरलाम बाबा, तो यहाँ पे है ना मेहतरलाम बाबा, सोरते हुए दगा चदे दगा दा दारुल खिलाफा मेहतरलाम बाबा पर नुम बानिया जी की बना है मेहतरलाम बाबा। तो वहाँ भी कुछ ज्यारत है कि नहीं है? नहीं नहीं। ओके भी मेहरबानी।
लैंड। ये अभी हम इनके यहाँ से चलो इसी बहाने हमारा ऑफ रोड अच्छा सा हो गया। तो वो उसने अपने कमांडर से बात किया जो कैपिटल का जो कमांडर है उसने वहाँ से बात किया, यहाँ मेहतरलाम का जो कमांडर है इनका। तो वैसे बात ये समझ जाते हैं वो, अगर इनको तसल्ली से इनको समझाया जाए। मैंने कहा यार मैं जा रहा था काबुल और काबुल है तकरीबन 150 किलोमीटर यहाँ से, और वहाँ जा के फिर वापस आ रहा सिर्फ बाबा साहब की ज़्यारत के लिए 300 किलोमीटर मेरा चक्कर पड़ जाना है, और यहाँ सिर्फ था 15 किलोमीटर, तो इसलिए मैं इस तरफ मुड़ गया। तो मैं वहाँ जा कर पेपर ले लेता हूँ। तो उनको समझ आ गई, कहते हाँ ठीक है। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ जी काबुल की तरफ, होपफुली कि हमें अभी वहाँ पर जो है कोई नहीं रोकेगा। पर लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ अमेजिंग। ये देखिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे जो है ये सब्जियों के यहाँ मिलेंगे आपको स्टॉल, यहाँ से सब्जियाँ यहाँ से उगाते हैं, यहाँ बेचते हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, आलू हैं, वो वहाँ से भी काट के लेके आ रहे हैं सब्ज़ी। ये काफ़ी ज़रखेज़ इलाका है यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे दरख्त भी सारे नज़र आ रहे हैं। तो ग्रीनरी भी है, गंदम है यहाँ पे, खीरे हैं। I'm good. How are you? I'm fine. Everything's fine. I'm now going to Kabul. How is your hill? Huh? How is your hill? My health is good. Thank you. I'm now going to Kabul. Water. No. Thank you. I have water here. Cool water. Thank you very much. चक्कर दे वो। हाँ चक्कर हो गया। काबुल तो जाएगा पाकिस्तान। अब काबुल इंशाल्लाह। हाँ? काबुल इंशाल्लाह। ओके। मेहरबानी। व्हाट्सएप मेरे इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा। ओके। थैंक यू मनाना। यार आप मेरे राइट हैंड पे पीछे फार डिस्टेंट में आप जरा ये जो है ना पहाड़ चेक करें, लुक एट देम। ये आप मेरे साथ साथ जहाँ पे दरियाए काबुल के नज़ारे करते जाएं, क्या ज़बरदस्त व्यू है इसका। और पहाड़ भी हमारे अब छोटे से काफ़ी बड़े हो गए पहाड़, अब जो पहले हमारे थे दूर दूर थे, अब तो हम पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं। और दरिया को आप देखें, मौसम भी वैसे अच्छा ही है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बादल आए हुए हैं, हवा अच्छी चल रही है। वाह दिस इज़ ब्यूटीफुल। हमने जो गाड़ी जा रही है उसकी तरह कारीगरी देखें, शायद ये मेरे ख्याल में अपने कहीं शिफ्टिंग कर रहा होगा ये बंदा। ऊपर सारा सामान है, बाल्टियाँ डब्बे पाकिस्तान, और अंदर पीछे बकरी भी खड़ी हुई है, एक बकरी अंदर खड़ी है, आपको शायद नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। और ये आई थिंक ये अपना सारा कहीं शिफ्टिंग कर रहे होंगे। यहाँ पे फिर आप चेक करें ज़रा इसको, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। आगे ट्रैफिक क्यों जाम है, क्या ये आगे कोई चेक पोस्ट है या ट्रैफिक जाम है? आगे तो टनल है। जेरी सरोबी का गांव या सरोबी का छोटा सा शहर है आप इसे कह लें। तो
मैं जब यहाँ से गया था यहाँ काबुल से जब मैं जलालाबाद तो उस टाइम क्योंकि उतराई थी तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो है दर्रा ये वाला और ये जो है पहाड़ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ से पता नहीं कितने मीटर जो है ऊंचाई है और हमने उधर जाना जाके और बहुत ही स्टीप ऊंचाई है। वाह, पता नहीं आपको नज़र आई है कि नहीं आई रोड। काबुल जलालाबाद रोड इज वेरी मच सीनिक, खतरनाक तो है ही है लेकिन जो है सीनिक बहुत है। तो सही नज़र आएगा जी, वो देखें हम कहाँ से आ रहे हैं, वो वहाँ से उतराई चढ़ाई चढ़ते हुए और हम यहाँ पहुँचे हैं। वाह, ले जी अब हमारे काबुल में एंट्री हो रही है। और ये मुझे ख़तरा है कि काबुल में यह थोड़ा सा ख़तरा है कि यहाँ पे वो साइड पे निकाल के और कुछ ज़्यादा तफ्तीश ना करें। हमारे पास है बाकी एक घंटा और इस घंटे में हमने जो है ना जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वहाँ पहुँच के कोशिश करने की हमें पेपर आज मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू ब्रदर? काबुल चक्कर पासपोर्ट 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 चक्कर से दाच चम हां पासपोर्ट और ये वीज़ा उत्रिश उत्रिश यही खतरा था हमें। मुझे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जहाँ से आपको परमिट मिलता है जाने के लिए हर जगह पे, तो सबसे पहले यहाँ पे वो सामने जो ऑफिस खड़ा हुआ है ढाबा सा वहाँ से मिलता है आपको एक दरख्वास्त बना के देता है वो एक दरख्वास्त। तो वो दरख्वास्त यार अपना सिफत भाई ये दरख्वास्त दिखाओ, दरख्वास्त में क्या लिखा हुआ है, दरख्वास्त है कैसे ये वाली? यहाँ से परमिशन ये दरख्वास्त लिखी हुई है उसने तो इसमें इसमें यह है कि आपने कहाँ कहाँ पर जाना है, किस किस इसमें आपने जाना है प्रोवेंस में, और अभी दरख्वास्त लेके मैं जाऊँगा अंदर वहाँ से कोशिश करें कि हम परमिट लें इसका। फिर मेरे राइट हैंड पे जो है इस टाइम जो यूएस की एम्बेसी थी किसी ज़माने में, और आप उसकी दीवारें चेक करें कितनी ऊंची, कहाँ चलें उसकी आप दीवारें चेक करें कितनी ऊंची उसकी दीवारें हैं। काबुल शहर अगर ठीक हालात में होता तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अभी क्योंकि उसकी सारी पुरानी बिल्डिंगें जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सेफ्टी के लिए पिछले हालात को देखते हुए अब वो सारी बिल्डिंग जो हैं वो अंदर छुप गई हैं, तो उसकी जो काबुल की जो असल उसकी खूबसूरती वो अभी वो नहीं रही। शादी हॉल है ये, होटल है ये, होटल है, होटल हॉल होटल है। अच्छा शादी, हाँ वो वेडिंग हॉल ना ये, हाँ ये वेडिंग हॉल है ना ये, जी जी ये तो ठीक। इस तरफ मुड़ जाए, रात पे यहाँ से सो जा। ले जी हम यहाँ काबुल में घर पहुँच गए हैं, हमारे परमिट वाला काम तो आज नहीं हो सका क्योंकि एक तो हम वहाँ लेट पहुँचे थे और दूसरा उसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो वहाँ पे हम सुबह जाएंगे। और अभी मैं सिफतुल्ला भाई के घर में आया हूँ, तो ये कहते हैं कि मुझे मेरे घर में चलो, मैं यहाँ पे आया हूँ। सिफतुल्ला भाई ये बताएं कि
ये क्या है? ये इसका नाम कुलचा है। कुलचा जी, ये अच्छा। घर पे बना के आता है। अच्छा मीठा ही क्या है ये कुलचा? मिठाई वाला है। अच्छा मीठा कुलचा है ये? जी मीठा कुलचा। अच्छा जी, तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं इनके घर में, यहाँ पे हम कुलचा खाते हैं, यहाँ पे हम जो है ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, साथ में ग्रीन टी है, और उसके बाद थोड़ा यहाँ रेस्ट करते हैं और सुबह जाके फिर मैं अपना परमिट लूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हमारा परमिट वाला काम भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा जो मसले हमें आज हुए हैं लखमान प्रोवेंस में, होपफुली वो हमें नहीं होंगे। सिफतुल्लाह भाई, ये बताएं कि आपने जो है लाहौर में आपने क्या क्या खाया था, वहाँ पर क्या पसंद आया आपको वहाँ पर? मेरे पसंद बिरयानी था। बिरयानी जी, वो क्या नाम है, शौरमा, और तीसरा चीज़ वो दाल माश। दाल बहुत मज़ेदार था। अच्छा, था जी जी। अच्छा वो चीज़ तीसरा चीज़ में मेरा पसंद था। तो मेरे घर खुद ही से बनाया था। अच्छा घर? हाँ जी, घर में दाल माश आप खुद ही बनाते थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ फिर आपने जो है कितना अर्सा फिर आप वहाँ पे रहे थे कराची में, लाहौर में कितना अर्सा आप रहे थे? 4.5। अच्छा जी। उर्दू फिर आप वहीं सीखी थी? उर्दू से वहाँ से तोरा तोरा। तो लें जी, हम यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, और डिनर में हमारे पास जो है इन्होंने सिफतुल्लाह भाई ने और इनकी फैमिली ने हमारे लिए इतना अच्छा ये है यहाँ पे इन्होंने बंदोबस्त किया डिनर का। अच्छा, दिस काबुली पुलाव राइट? जी। व्हाट इज दिस? या दिस इज एग प्लांट, बट व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज दिस डिश? बोंजॉन नसिया। एंड व्हाट इज दिस? ये फसला है। फसला जी, यानी बीन्स हैं ये? बीन्स है। ओके, फसला नसिया। ओके, ये सूप है? ये सूप है। ओके, चिकन का है सूप? नहीं नहीं, वो बकरा के, बकरे का। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे साथ ये मिक्स सैलेड है, और कोला है आई थिंक, फंटा है, और ये अनियन लिए हैं मैंने अपने लिए क्योंकि मेरी इस टाइम तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही है। आई थिंक आई एम फीलिंग सम फीवर, और नज़ला हो रहा है मुझे, तो मैंने कहा प्याज खाऊंगा यहाँ के लोकल में। तो आज के स्पेशल हमारा जो था ये दिन जिसमें हमने काफ़ी हमारा इंटरेक्शन जो है रहा है तालिबान के साथ, और फिर उसके बाद हम यहाँ काबुल में पहुँचे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये खाना खाता हूँ, एंड देन आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह किसी और जगह से, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड सलाम अलैकुम।